नमस्कार किसान साथियों, तो आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे जॉन डियर का ऐसा ट्रैक्टर जिसके काफ़ी मॉडल्स आपने मिल जाएंगे, अलग अलग वेरिएंट के। पावर रिवर्सल में आप ले लीजिए, सीआरडीआई में आपको मिल जाएगा, एसी कैबिन आपको मिल जाएगा और बेस मॉडल में भी आपको अवेलेबल रहेगा। ये नहीं कि उच्च मॉडल आ गए तो आपको बेस मॉडल नहीं मिला। तो उस ट्रैक्टर के बारे में आपको डिटेल में आज इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके टायर साइज़ की, तो पीछे वाले जो टायर हैं रियर टायर 18/4/30 के हैं, रियर टायर विदाउट वेट गुडियर के टायर है फिलहाल में इस ट्रैक्टर में। और फ्रंट अगर टायर की बात करोगे तो इसमें 6/50/20 का फ्रंट टायर, 6/50/20 का फ्रंट टायर होगा। अगर बात करें इसकी प्लेटफॉर्म की और ऊपर चढ़ने के लिए, तो आपने सिंगल स्टेप मिलेगा ऊपर चढ़ने के लिए। और स्पेस अगर देखोगे आप तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसमें आपने देखने को मिल जाएगा। इंजन के बीच में बम्प आपने देखने को मिलेगा, फ्लैट इसमें प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपने एसी कैबिन में मिल जाएगा। फोर व्हील ड्राइव और शायद इसमें आपने सीआरडीआई में भी फ्लैट है, हो सकता है इससे कम बम्प है लेकिन। तो ये यहाँ पर हिट गार्ड आपने मिल जाएंगे दोनों साइड में, आपने मिल जाएंगे वाइट में विजिबल, यानी कि आर पार इसमें आपने दिख जाएगा दोनों साइड में। अगर देखोगे आप स्पेस काफ़ी बढ़िया है ट्रैक्टर में कुल मिला करके। यहाँ पर आपने मिल जाएगी ब्रांडिंग जेडी लिंक की V4। अब दिखाते हैं आपको ट्रैक्टर का लुक और जो लुक है इसका। तो ये जो ट्रैक्टर है जॉन डियर 50/75E है, तो काफ़ी इसमें मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में वही जॉन डियर की तरह काफ़ी लंबे समय से आ रही हैं, तो वही जाली फ्रंट में कूलिंग के लिए। सीआरडीआई में आपने साइड में भी आपने जाली देखने को मिल जाती है, वही फाइबर का इसमें बोनट है। अगर बात करें इसके बोनट की ओपन की, तो सिंगल की लॉक है इसमें, यहाँ पर की लगाएं आप ओपन करें और इस बोनट इसका खुल जाए, वो भी मैं आपने दिखाऊँगा इसका खोल कर। इंजन के बारे में आपने बताऊँगे तो दिखाऊँगे। फ्रंट में अगर बात करें मेन हेडलाइट की, तो हैलोजन टाइप की ही लुमैक्स कंपनी की इसमें लगी हुई है, आप ध्यान से देखोगे तो। और ये फ्रंट में जॉन डियर की ब्रांडिंग। और दूसरी साइड अगर देखोगे तो वही 50/75 जॉन डियर। और यहाँ पर इसका जो मेरे को कन्फ्यूजन है, सिंक्रो शटल ये बेस मॉडल है, इसमें आपने सिंक्रो शटल में मिल जाएगा, पावर रिवर्सल वाला भी मिल जाएगा, आपने सीआरडी भी मिल जाएगा और एसी कैबिन में मिल जाएगा। सभी के सभी मॉडल्स फोर व्हील में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो दोनों साइड में आपने दिखा दे हिट गार्ड है। अगर बात करें इसके ब्रेक्स की, तो ऑयल इमर्स ब्रेक है इसमें, जो कि सस्पेंडेड टाइप पेडल हैं। क्लच और ब्रेक्स देखोगे तो सस्पेंडेड टाइप हैं। और ये जस्ट नीचे आप देखोगे तो ये पैर वाली रेस और ये जो हाथ वाली रेस आपने यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि जॉन डियर में हर ट्रैक्टर में आपने यहाँ पर मिलती ही है। और एक और अच्छी बात कंपनी की, जो कि डिफरेंशियल लॉक कंपनी लगातार दे रही है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। डिफरेंशियल लॉक ज़रूरी है ट्रैक्टर में, यहाँ पर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर साइड में ड्राइवर चलते समय आसानी से निकाल ले, पीछे की बजाय यहाँ पर दे देना अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर देते हैं तो स्पेस का थोड़ा मेंटेन आपको करना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर कोई परेशानी तो है नहीं, लेकिन कुल मिला करके ठीक है। दूसरा अगर बात करोगे इसकी आगे चले हम, फ्रंट एक्सल और पावर स्टीयरिंग के बारे में अगर बात करें, तो इसमें आपने फिक्स टाइप का, फिक्स नहीं शायद, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल है फ्रंट एक्सल और नॉन ग्रीसिंग है, जो यहाँ पर बेयरिंग्स वगैरह हैं इसमें ग्रीसिंग शायद नहीं होगी, बाकी पॉइंट तो है भाई ग्रीसिंग होगी, पॉइंट दे रखा है ग्रीसिंग है। और फ्रंट में कोई भी वेट वगैरह कुछ नहीं मिलता इस मॉडल में। तो पावर स्टीयरिंग देखोगे तो इसमें सिंगल जैक आपने मिल जाएगा, डबल एक्टिंग वाला सिंगल जैक है, क्योंकि एक्टिंग डबल करता है लेकिन सिंगल जैक है। आपने जो डियर के लगभग ट्रैक्टर में आपने सिंगल जैक मिलेगा, लेकिन इस ट्रैक्टर में आपने ड्यूल एक्टिंग वाला सिंगल जैक मिल जाता है। ये इसकी सीट वगैरह लगी, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं।
अब करते इसका बोनट ओपन। इसका भी बोनट खोल दिया है और आपको दिखाएंगे कि सिंगल जैक में है या डबल में है। इस ट्रैक्टर में आपने डबल जैक में देखने को मिल जाएगा, जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं वो डबल हैं ताकि बैलेंसिंग रहे बोनट की पूरी। तो काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग हो जाती है डबल जैक में। डबल है जो हाइड्रोलिक जो सिलेंडर दिए हैं इनकी वजह से। साइलेंसर के लिए यहाँ पर एक ढोलकी दी गई है ताकि आसानी से इसकी साइलेंट आवाज़ को काफ़ी साइलेंट किया जा सके। सबसे पहले अगर फ्रंट से बात करें तो इसमें एक्साइड कंपनी की बैटरी है, बड़ी बैटरी जो कि 85 एम्पियर की AH की है। इसमें अगर अल्टरनेटर की बात करेंगे तो हम करीब करीब 50 एम्पियर का होगा, बाकी मेरा कन्फर्म नहीं है, आपको अगर कन्फर्म हो तो आप ज़रूर बताएं। इस ट्रैक्टर में आपने GPS सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आपने मीटर में भी दिखाऊंगा मैं आपने इसका इंडिकेशन। ये जो GPS सिस्टम के लिए यहाँ पर ये यूनिट दी गई है, जो कि आप में जिक्टा कंपनी की है, मॉडल पार्ट नंबर वगैरह सब कुछ इसमें आपने देखने को मिल जाता है। जून डियर तो ये यूनिट है पूरी GPS के लिए। ये सेंसर है अपना एयर क्लीनर के लिए, इसमें ड्यूल ड्राई टाइप ड्यूल एलिमेंट का एयर क्लीनर, जो कि लंबे समय तक जो है काम करने के लिए सक्षम रहता है। और अगर बात करें आगे तो इसमें आपने रेडिएटर के जस्ट आगे आपने इंटरकूलर देखने को मिल जाता है, जो कि टर्बो के लिए लगाया गया है ताकि टर्बो में जो हीटिंग वगैरह ट्रैक्टर न पकड़े उसके लिए है। और काफ़ी बड़ा जो है रेडिएटर दिया गया है ताकि लंबे समय तक काम कर रहे ट्रैक्टर को गर्म न होने दे, और जितना ठंडा रखेगा ट्रैक्टर को उतना अच्छा जो है वर्क करेगा और एफिशिएंसी में वर्क करेगा, कम से कम डीजल खपत के साथ में और फ्लो रिजर्वायर के साथ में है, जिसमें एक्स्ट्रा कूलेंट यहाँ पर आपको मिल जाता है। पूरा इसको जो बेल्ट वगैरह इनको कम्प्लीटली कवर किया गया ताकि यहाँ पर कोई भी परेशानी न कपड़ा वगैरह या लकड़ी वगैरह लगने की कोई समस्या इसमें आपने देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात करें इसके इंजन की तो इसमें 75 हॉर्स पावर का इंजन है और 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ में ये आता है और टर्बो चार्ज इसका इंजन है। इसमें आपने टर्बो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, मैं दिखाऊँ अगर डिटेल में तो टर्बो का कुछ दिख तो रहा नहीं, बाकी सीरियल नंबर बस जस्ट। और ये डीजल वाले फिल्टर हैं दो, इसमें वाटर सेपरेटर दूसरी साइड में आपने देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका इंजन जो है 75 हॉर्स पावर का इंजन है और इसके RPM जो है ना 2800 RPM पे काम करता है। रेटेड RPM अगर बात करोगे तो इसमें 2800 इसके हैं इंजन के रेटेड RPM। यहाँ पर एक बड़ा अल्टरनेटर जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है और जल्दी स्पीडली जो बैटरी बैकअप चार्जिंग देता है। तो कुल मिलाकर इसके कंप्लीट इंजन के बारे में आपके साथ में शेयर किया। सिंक्रो शटल यहाँ पर ये बैचिंग दी गई है, ये सिंक्रो शटल नहीं है लेकिन आपको ऑप्शन अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ठीक है। अब चढ़ते हैं ट्रैक्टर के ऊपर और ऊपर से इसका व्यू करवाते हैं आपको। ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ से आप पकड़ सकते हैं या इस साइड में आपने दोनों साइड में हैंडल देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें इसकी सीट की तो काफ़ी अच्छी और बड़ी सीट है, डिलक्स सीट है और हैंडरेस्ट जो है दोनों साइड में दिया गया और सीट बेल्ट भी इस ट्रैक्टर में आपने देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर सभी फीचर आपने सीट के अंदर मिल जाएंगे जो कि होते हैं ट्रैक्टरों में, सभी फीचर इस सीट के अंदर आपने मिल जाएंगे। अगर आराम से मैं बैठ के अगर आपको दिखाऊँ, अब दिखाते हैं आपको इसका एक बार इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है ना इसका, अब ये देखेंगे ध्यान से कितना अच्छा लगेगा अभी देखेंगे। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो इसमें आपने यहाँ पर देखिए ये सेंसर जो है ना GPS वाला है, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि GPS इसमें है। बाकी इसका डेमो वगैरह है जो है वो आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर। ये RPM मीटर हो गया, डीजल के लिए है, टेम्परेचर के लिए है, न्यूट्रल यहाँ पर अगर ट्रैक्टर न्यूट्रल है तो बैटरी वगैरह के लिए, तो सभी स्विच देखिए आप अगर आपको ध्यान से दिख रहे होंगे ना तो इसमें सभी इंडिकेटर्स हैं, शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको हर इंडिकेटर मिल जाएगा। अभी करते हैं इसके स्विच को ऑफ।
कि पार्किंग के लिए यहाँ पर अगर इसको दो बातें आपको पता ही स्विचेस वगैरह हैं, लाइटिंग के लिए हो गए, हॉर्न वगैरह के लिए ये एंड वाली रेस होगी हमारी, और स्टेयरिंग जो अच्छा स्टेयरिंग और छोटा सा जगह ज़्यादा बड़ा नहीं है, और बीच में जोन डियर की ब्रांडिंग, और इसको हम टिल्टेबल स्टेयरिंग है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पर भी आपको करना है वहाँ पर कर सकते हैं। ये साइड में की यहाँ पर लगेगी, इसमें सस्पेंडेड टाइप है पेडल दोनों की, जो तो साइड में आप देखोगे ना कल चुवेर एक का सस्पेंडेड टाइप पेडल है, और इसमें जो क्लच है ना वो अलग टाइप की है, वेट टाइप क्लच है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है, इस फीचर में होना ज़रूरी है। बाकी इस वीडियो क्लच के बारे में आपके साथ में डिटेल में शेयर करेंगे वीडियो, कि क्या कुछ होती है इस टाइप की क्लच, उसके बारे में आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। ऑफ स्विच यहाँ पर है ट्रैक्टर को बंद करने के लिए। अब बात करते हैं इससे ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपने सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स मिल जाता है, या जो ये फिलहाल का मॉडल है इस मॉडल में आपने ABC लेफ्ट साइड में यहाँ पर मिल जाएगा, और इस साइड में आपने मिल जाएगा 1, 2, 3 रिवर्स। तो इसमें आपने 3 रिवर्स स्पीड मिल जाएंगी, और फॉरवर्ड की मिल जाएंगी आपको 9 प्लस 3 का ये जो है मॉडल है 9 प्लस 3, यानी कि 3 स्पीड है, ABC में 3 आगे चलेगा और 3 रिवर्स चलेगा, तो 9 प्लस 3 का जो 12 स्पीड इसमें आपने देखने को मिल जाती है। फिर बात करते हैं इसकी PTO की, PTO के लिए आपने अलग से क्लच मिल जाती है, इसलिए इसको डबल क्लच बोलते हैं ट्रैक्टर को। तो इसमें आपने PTO के लिए यहाँ पे ये क्लच मिल जाएगी, और ये PTO के लिए लीवर यहाँ पर है, इसमें आपने अगर आप आगे करेंगे तो आपने इकोनॉमी PTO मिल जाएगी 544, जो कि इसकी 1700 RPM पे कंप्लीट हो जाते हैं 544 इकोनॉमी, 544 स्टैंडर्ड इसके होते हैं 2700 के आसपास, तो दोनों के दोनों आप वर्क कर सकते हैं आसानी से। सॉरी 2700 मैंने बोला, स्टैंडर्ड का इसमें है 2400 के आसपास, 2460 के आसपास इसमें स्टैंडर्ड चक्कर बन जाते हैं 540। उसके बाद अगर बात करें इसके हाइड्रोलिक कंट्रोल्स की, तो काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं लिफ्टिंग के लिए, हाइड्रोलिक के लिए, और आपने मैनुअल्स भी मिल जाते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, जो भी आप कंफर्टेबल समझे वो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपने यहाँ पर भी ये देखो मडगार्ड के साइड में भी आपने देखने को मिल गई, और काफ़ी अच्छा रहेगा ये, दोनों साइड में आप मिल जाते हैं। ये अपना ओजरी वॉल, जो कि आपने प्रेशर है वगैरह में टिपिंग ट्रॉली में काफ़ी अच्छी जो है वर्किंग देगा, और स्मूथली जल्दी वर्किंग देगा भाई। ये गियर्स के लिए अपना चार्ट है भाई, टू व्हील में फॉरवर्ड रिवर्स का, तो सभी ट्रैक्टर में ये देना चाहिए, काफ़ी अच्छी बात जो भी कंपनी ये दे रही है। और मैं दिखाऊँ अपने, ये देखो भाई ये यहाँ पर चार्ट है, अब हम आगे हैं भी ट्रैक्टर के पीछे। तो ट्रैक्टर के अगर पीछे की साइड में बात करें, बैक साइड का अगर व्यू करेंगे हम, तो इसमें आपने सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे लिफ्ट। तो इसमें अगर लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें, तो 2000 से 2200 kg के आसपास इसकी लिफ्ट कैपेसिटी, जो कि कन्फर्म है नहीं, लेकिन इतना जो इसकी है 2000 से लेकर के 2500 के अराउंड इसकी है, अंडर है इसके, बीच में आपने लेने वाली है। तो अगर इसकी कपलर की बात करें, केवर्स कपलर जो होते हैं, इसमें अपने डबल मिल जाते हैं अलग अलग, आपको एक्स्ट्रा लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको साथ में मिल जाएगी। और टोपलिंग के लिए तीन पॉइंट है अलग अलग, सेंसिंग के लिए आप जहाँ पर भी चाहोगे ना उस टाइप की सेंसिंग आपको इसमें मिल जाएगी, 3 पॉइंट दिए गए ताकि अलग अलग आप लगा सकते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क के लिए आप ट्रॉली वगैरह में कोई भी लाइटिंग का काम करवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आसानी से आप लगा सकते हैं। बात करें इसके डीजल टैंक की, तो करीब 62 लीटर का इसका डीजल टैंक है, जो कि रियर में पीछे की साइड में दिया गया है फाइबर का, हर लगभग ट्रैक्टर में जोन डियर में आपने पीछे ही देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी PTO HP की, तो करीब 62.5 यानी 62.5 HP जो इसकी PTO की है, जो कि आपने इकोनॉमी पे अगर देखोगे आप, तो इसमें आपने 1700 रुपये मिल जाएगी, और अगर देखोगे आप स्टैंडर्ड 540, तो वो आपने मिल जाएगी इसमें 2400 RPM पे।
और इसमें रिवर्स पीटीओ भी आपने देखने को मिल जाती है, जो कि आपने हर काम के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद रहती है। आज के टाइम पर रिवर्स पीटीओ काफ़ी महत्व रखती है। और ये यहाँ पर अपने नंबर प्लेट वगैरह के लिए लाइट, और ये बड़ी लाइट पीछे की साइड में देखने के लिए। इसमें आपने कैनोपी भी और यू पाइप अलग से एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। इसमें यू पाइप भी मिल जाता है आपको, कैनोपी भी ऑप्शन है, आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इस ट्रैक्टर में जो भी फीचर थी ना, लगभग मैंने आपके साथ में शेयर करे भाई, जो भी कुछ अगर रह गया हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं रह नहीं सकता, लगभग जो फीचर थे वो आपके साथ में शेयर करे। अगर वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक शेयर साथ के साथ भाई करते रहें। और जॉन डीयर का जो अलग अलग मॉडल हैं, सभी मॉडल्स की एक बार वीडियो आपको दिखावांगे। तो जैसी जैसी हमें जानकारी होती रहती है, वैसी वैसी आपके साथ में वीडियो शेयर होती रहेगी। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।